आज का अपना प्रैक्टिकल रहेगा ड्रॉ सिंगल लाइन प्लान फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? और स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो देखो ये अपन, मैं एक ड्राइंग ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये अपन ड्राइंग देखते हैं और इसके हिसाब से अपन बनाएंगे अपना सिंगल लाइन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये कैसी लाइन लिया मैंने, मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन मैं अगर मैं एक्स और एल दबाऊंगा, एक्स एल एंटर, तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अपने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने वो क्लिक कर दिया उस लाइन को। ठीक है, ये अपने को एक लाइन मिल गई। सेम मैं क्या करूँगा, वर्टिकल में निकालूंगा एक्स एल एंटर करके, ये मेरे को और एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, मुझे उसको ट्रिम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में मैं लूंगा लाइन कमांड। ओके, और मैं ड्राइंग देखेंगे अपन, पहले क्या दिखा रहा है। ठीक है, हम यहां से बनाते हैं किचन। ये जैसे ये डबल लाइन प्लान है, बट हमको सिंगल लाइन प्लान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे डबल लाइन प्लान क्या कैसे बनाना है। अभी सिंगल लाइन डबल लाइन में डिफरेंस क्या रहेगा कि सिंगल लाइन में हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए शो करेंगे, और डबल लाइन प्लान जो थिकनेस रहती है 0.3 mm, वो क्या रहती है, जैसे ईट होती है। ठीक है, एक रूम होता है, रूम में क्या होता है, हम अगर टेप लगा के गिनेंगे। ठीक है, अगर एक रूम है, मैं यहाँ से मेजर करके इनर टू इनर रहेगा डायमेंशन, बराबर है, वो जो ईटों की थिकनेस है वो गिन पाएंगा क्या, गिन पाएंगा क्या, आप बताओ। हाँ, तो अगर मैं इनर टू इनर गिनता हूँ तो थिकनेस गिन पाएगा क्या, नहीं सर। हाँ, तो और अगर मैं बाहर से गिनता हूँ टेप लगा के, तो उसमें आ जाएगा ना थिकनेस, कवर हो जाएगी। तो थिकनेस जो होती है वो डबल लाइन प्लान में शो करती है, जैसे इसमें जो दिख रहा है ना डबल लाइन, वो। तो अपन फिलहाल आज सिंगल प्लान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 310 बाय 290। ठीक है, तो अगर हम अगर अपनी ड्राइंग ओपन करते हैं और लाइन कमांड लेते हैं, और मैं अभी सिंगल लाइन प्लान है, तो वो पूरा मतलब उसमें वॉल शो नहीं हो रही है, फुल आउटसाइड से रहेगा। हाँ, मेजरमेंट है। ठीक है, जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ 310। ठीक है, तो ये अपना 310 के की लाइन फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अपन देखेंगे 290। ठीक है, तो सेम हम लाइन कमांड लेंगे, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और 290 लिखेंगे, एंटर कर लेंगे। ठीक है, सेम अगर मेरे को अभी इधर बनाना है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये ऐसा किचन है टोटल, बाद में हम इधर ट्रिम कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अपन क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कमांड दे रहा हूँ CO एंटर, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो अभी मेरे को क्या किया है, लाइन कमांड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसलिए ये शॉर्टकट का फायदा होता है कि तुरंत में हम ये कर सकते हैं। जैसे इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, CO एंटर कॉपी कमांड लिया, ये एंड पॉइंट पे पकड़ा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये अपना हो गया
किचन, ठीक है। डायमेंशन तो काफी छोटा है। ओके, और अभी मैं इसको डायमेंशन दे दूंगा, या डायमेंशन कमांड लेंगे हम, और यहां से लेके एंड पॉइंट तक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 310, जैसे कि अपने ड्राइंग में दिया गया है 3910, और 290 हम देखेंगे, 290 है क्या। फिर से मैं डायमेंशन कमांड लूंगा, ये पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो हम देखेंगे ये 290, ठीक है। तो ये अपना बन गया। फिलहाल के लिए मैं कंफ्यूज हो जाएंगे आपको डायमेंशन लाइन से, इसलिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे बेडरूम दिया गया है, ठीक है, ये 330 का है, तो उसको अपन ले लेंगे यहाँ पे 330 की लाइन, ठीक है। अगर मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो उसमें 30 ही ज्यादा था, 300 तो अपने पास पहले से है, ये 290 है, सॉरी, हाँ ये अपना 310 हो गया, ठीक है, और ये 280, मतलब ये 330 बड़ा है, 310, ठीक है। तो ये 310 290, ठीक है। ये जो रहेगा 310, ये रहेगा अपना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और ये 290 जो रहेगा, ये रहेगा अपना वर्टिकली, ठीक है। तो उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टली क्या है, 280 है, तो हम यहाँ पे 280 का बना लेंगे। ये फिर से मैंने लाइन कमांड लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखा 280, ठीक है, ये हो गया 280 का, यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा डायमेंशन है 330 का, तो फिर से हम लाइन कमांड लेंगे, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और 330 टाइप करके एंटर कर देंगे, ठीक है। सेम अभी हम वही करेंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, इसको सीधा CO एंटर कर देंगे और एक पॉइंट से पकड़ के दूसरे पॉइंट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम इसका है, ठीक है। तो देखो ये अभी अपना ये बन गया, ये बेडरूम बन गया और ये किचन हो गया, ठीक है, ये सिंगल लाइन है। अभी हम हॉल का देखते हैं, तो हॉल का डायमेंशन है 280 बाय 370, 280 है हॉरिजॉन्टली में और 370 है वर्टिकल में, तो हम वर्टिकल लाइन को पहले यूज करते हैं 370, ठीक है। अगर ये पॉइंट लेके मैंने 370 लिया, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता, पहले इधर स्टेयर केस बनाता हूँ, तो आप कैसे भी ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में यह है 280 एकदम जो है टाइमिंग कहूँगा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम, हमारा क्या क्या हो गया देख लेते हैं हम एक बार। हॉल हो गया, साइट आउट हो गया, अभी हम बेड का चल रहा था जो 310 बाय 320 है, ठीक है, 320 हमने ले लिए। अभी हम 310 के लिए लाइन लेंगे, लाइन कमांड लेंगे,
ये मैंने लाइन कमांड लिया और यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ एरो करके 310 एंटर। फिर कमांड को छोड़ने के लिए एस्केप या फिर स्पेस बार या फिर एंटर, ठीक है। अब सेम ये लाइन में यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, बेड, ठीक है, 310 बाय 320। अभी अब आएगा स्टेयर केस, आएगा तो स्टेयर केस के लिए हम, स्टेयर केस के बाजू में डब्ल्यू सी भी है, वॉशरूम, ठीक है। उसका डायमेंशन क्या है देख सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं क्या दिख रहा है, 120 बाय 180, ठीक है। तो 120 कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, और 180 वर्टिकली, तो हम वर्टिकल वाली लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। लाइन कमांड लेके 180, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया लाइन, हाँ 0.80 वो जगह छोड़ी गई है ना, हाँ। बट अपन सिंगल लाइन प्लान निकाल रहे तो अपन उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, वो जब आपका डबल लाइन प्लान में हो जाएगा वो कवर। अभी स्टेयर केस है, अभी हम कैसे करेंगे स्टेयर केस के लिए, ठीक है, हाँ। यहाँ से जो, हाँ तो ये नहीं, वो बनाया है ना, ये लाइन है, हाँ वो तो बना रहा है। तो उसके लिए देखो क्या किया गया है, या डब्ल्यू सी की जगह छोड़ी गई है 0.180, ठीक है। तो हम भी थोड़ी उतनी जगह छोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये लाइन को कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर इसको पकड़ के 0.80 क्लिक कर दे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, कम से कम यहाँ पे रखना, ठीक है। ठीक है, अभी अगर हम इसको, हमको लाइन निकालनी है स्टेयरकेस की, ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और एक पॉइंट सिलेक्ट करके सिंबल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। नहीं इसको, ये सब बनाना ही पड़ता है खुद से। और ये अभी अपना टॉप व्यू का प्लान है, मतलब अपन इसको जैसे टॉप व्यू में देखेंगे किसी बिल्डिंग को, घर को, तो कैसा दिखता है करके, ये वैसा प्लान है। आगे चल के अपन एलिवेशन प्लान भी निकालेंगे, सेक्शन प्लान भी निकालेंगे, उसमें अपने को पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सीढ़ी जो रहेंगी वो नीचे से, जैसे ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे और सीढ़ियाँ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लाइन कमांड अगर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, और ये मिड पॉइंट से मैं मिड पॉइंट को कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और मेरे को आगे की स्टेयर केस बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से मैं इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, और उसके बाद में इसको कॉपी करके 20 एंटर करूँगा, फिर 40, फिर 60, ताकि ये 20 के इंटरवल में अपने को मिल जाए, ठीक है। और
अभी आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे एक ड्राइंग के हिसाब से कि यहाँ पे जो स्टेयर से वो नहीं आनी चाहिए, तो वो उसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यहाँ की जो लाइन्स है, ठीक है, ये पोर्शन में आप देख सकते हो ये लाइन्स, फिर यहाँ पे जो लाइन्स है उसको अपन कैसे मूव कर रिमूव करेंगे, उसको अपन ट्रिम कमांड से यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, टी आर एंटर, या फिर यहाँ पे भी ट्रिम कमांड है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टी आर डबल एंटर सो, तो ये हो गया मेरा डबल एंटर। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, मतलब सिलेक्ट करूँगा, तो देखो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सिंगल लाइन प्लान बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप भी सिंगल लाइन प्लान बना सकते हो। इंटरनेट से हम अगर टाइप करेंगे सिंगल लाइन प्लान फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो आपको और भी ड्राइंग्स मिलेंगे, उसमें से आप कोई सिलेक्ट करके बना सकते हो और प्रैक्टिकल में अपलोड करना है आपको बना के। ठीक है, कौन सी ये, हाँ वो भी ट्रिम हो जाएगा, जैसे ये डोर का, हाँ जैसे अगर मैं कोई एक लाइन कमांड लेता हूँ, ठीक है, ओके, और फिर मैं अभी इसमें क्या करूँगा, ट्रिम कमांड लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी यहाँ पे ओपनिंग बन जाएंगी। ठीक है, जैसे इस ड्राइंग में दिए ओपनिंग, वैसे जैसे यहाँ से अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं पॉइंट और फिर से ट्रिम कमांड देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक ओपनिंग। ठीक है, अभी आपको ये बेसिक है करके, बाद में जब पूरा फुल डायमेंशन के साथ रहेगा तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, बट आपका अभी मेन पर्पस होना चाहिए कि कमांड पे एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी ड्राइंग आसानी से बना सको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सिंगल लाइन प्लान बनेगा। ओके, इसमें कोई कमांड वगैरह में आपको डाउट है तो पूछना है तो बोलो। हेलो, नो डाउट सर। नो डाउट ना, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप भी कोई प्लान सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें फिर नेमिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, बाकी के लोग, हाँ, और दूसरे, हाँ, ओम, नीलल, जितेंद्र, ऋषिकेश, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ड्राइंग को। सेव कर देंगे, ठीक है, तो आप लीव कर सकते हो, आपकी नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर लो।